अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्रोसमान सीज़न 4 आ चुका है और आप जानते हैं कि इसमें अलचीचा खतून का किरदार भी किसी ने निभाया है और आप जानते हैं कि कुर्रोसमान कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है और इसको लोगों ने कितना पसंद किया है। इस वीडियो में आपको बताते चलें कि अलचीचा खतून का किरदार निभाने वाली अदाकारा के बारे में बताएँगे। आज की वीडियो में हम आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें बताने जा रहे हैं कि ये कौन है, इनका लाइफ स्टाइल क्या है, इनका मज़हब क्या है और इनकी हॉबीज़ क्या हैं, इन्होंने कहाँ से पढ़ा, इन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन से आपको आगाह करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इससे पहले मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुर्रोसमान में अलचीचा खतून का जिन्होंने किरदार निभाया, इस अदाकारा का असल नाम मिराके है। अगर हम बात करें इनकी पैदाइश की तो 17 जुलाई 2000 को यूक्रेन में पैदा हुई और इनके वाले तुर्क और इनकी वालदा यूक्रेनी हैं। अब हम बात करते हैं इनकी तलीम की, तो इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी तलीम इन्होंने इस्तांबुल के बिशुलर अली हैदर स्कूल में इन्होंने अपनी तलीम हासिल की और अगर हम थिएटर की तलीम की बात करें तो इन्होंने साइनान फाइडाइट स्कूल से हासिल की। दोस्तों, अगर इनके कैरियर की बात करें तो इन्होंने बहुत से ड्रामों और फिल्मों में काम किया है। इनको देखा गया है कि कुर्रोसमान इन्होंने अलचीचा खतून का किरदार भी बहुत शानदार तरीके से अदा किया, जिसकी वजह से ये अदाकारा बहुत मशहूर हो गई हैं और ये अदाकारा एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। अब इनके मज़हब की बात की जाए तो ये एक मुसलमान हैं, इनका मज़हब इस्लाम है। अब इनके फिज़िकल स्टेटस की बात की जाए तो इनकी हाइट 5 फुट 5 इंचज़ है, इनका वज़न 66 किलोग्राम है और इनकी आइज़ का कलर ब्लैक जबकि बालों का कलर ब्राउन है। इनकी हॉबीज़ में सिंगिंग करना, कुकिंग करना और फोटोग्राफी और स्विमिंग करना शामिल है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।